तो हेलो यूट्यूब फैमिली, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेके आ गया हूँ एक न्यू वीडियो अनबॉक्सिंग की। तो इसमें मैंने फ्लिपकार्ट से एक फ्रेम मंगवाया था, ये कुछ 190 का मिला था सम, तो उसको मैंने मंगवा लिया क्योंकि दिवाली का त्यौहार चल रहा है, फेस्टिवल है, तो अच्छा हमको सिखा रहा है तो कुछ ऑर्डर करना तो बनता है। तो मैंने भी एक फ्रेम मुझे दिखा, अच्छा लगा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर कर दिया। तो भाई लोग कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई दो मिनट रुक जाओ जरा, लगता है बाहर कोई चिल्ला रहा है यार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो भाई लोग उसकी सस्ती अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने इसकी फर्स्ट फोटो देखी थी जिसे देख के मैं चौंक गया कि इतनी सस्ती पेंटिंग, वो भी 190 में, और मंगवाने के बाद तो भाई मंगवाने के बाद कुछ ऐसा हुआ मेरा कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूँ या क्या करूँ। बट ये बाद में दीवार पे लगाने के बाद जब मैंने इसे वॉल पे लगाया तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसकी अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ज़्यादा टाइट फ्रेम नहीं है, ये कोई लकड़ी का फ्रेम नहीं है, इसमें सिर्फ जो गत्ते होते हैं कार्डबोर्ड उसी का फ्रेम। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं इस पर पेंटिंग सी बनाई गई है, सो मैं टेप हटा के आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी आसानी से। तो दोस्तों, इसको हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, तो कृपया इस वीडियो को जरूर पाँच लाइक बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये फ्रेम है, दो छोटे फ्रेम हैं, आप इसे लेफ्ट राइट साइड लगा सकते हैं, और ये बीच में एक फ्रेम बड़ा है गणेश जी का, इसे आप बीच में लगा सकते हैं, पीछे डबल साइडेड टेप है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एम करते हैं 500 लाइक का। सो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।